हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। और साथ ही इस ब्लॉग को जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जाकर हमारे पेज यानी कि झारखंड ब्लॉगर राधा को फॉलो कर ले, ताकि ये वीडियोस जो आप YouTube में देख रहे हैं Facebook में भी देख सके और साथ ही बहुत सारे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। तो चलिए, जिस चीज़ का इंतज़ार था आप सभी को बहुत दिनों से, वो वाला ब्लॉग आ गया है, यानी कि सेल्फ फ्री डे का ब्लॉग, जो कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कब लाएंगी दीदी। तो चलिए भाई, दिन था गुरुवार का और गुरुवार के दिन ही मेरा ज़्यादा करके ब्लॉग आता है सेल्फ फ्री वाला, तो वही मैं लेकर आ गई हूँ। तो इस ब्लॉग को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि आप लोग जब सेल्फ फ्री डे करें तो अच्छे से कर सके। तो सुबह का टाइम था, यहाँ पर मैं बना ली थी अपने बच्चों के लिए, लंच बना रही थी और उससे पहले मैं बनाई थी चाय। चाय मैं पीती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी क्या आप चाय पीती हैं? तो जी हाँ डियर, मैं भी चाय पीती हूँ, लेकिन चाय पीने से पहले मैं अपनी मेडिसिन खाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना धनिया पानी या फिर जो भी डिटॉक्स पानी होता है उसे पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जा करके चाय पीती हूँ। यानी कि 9:30 बजे मैं चाय पीती हूँ, उससे पहले नहीं पीती हूँ, और वो भी गुड़ वाली चाय पीती हूँ। तो जब भी मैं घर वालों लोग के लिए चाय बनाती हूँ तो पहले मैं अपना निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही चीनी डालती हूँ। तो वो सब कर ली थी, उसके बाद फिर मैं बना ली थी चना। थर्सडे वाले दिन मेरे घर का होता है, अक्सर होता है कि मेरे घर में चना और पूड़ी ही बनता है, बच्चे यही ले जाना पसंद करते हैं और इसी तरीके का खाना ज़्यादा करके बनता है हमारे घर में। तो इसीलिए मैं सूखे वाले चने बना दी थी, जैसे कि भंडारे में बनती है उस तरीके का चना बना दी थी, और साथ ही यहाँ पर मैं बना दी हूँ गर्मा गर्म पूड़ी। थोड़ी बहुत पूड़ियाँ बना करके मैं अपने बेटी के लिए लंच पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले स्कूल वही जाती है, 5:30 बजे उसका सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑटो जिस गाड़ी से वो जाती है वो 5:30 बजे कभी कभी 5:40 में ऐसे ही आ जाती है, तो इसीलिए 5:30 बजे तक उसका मुझे लंच कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद फिर मेरा बेटा जाता है। अब तो वो अपने साइकिल से स्कूल जाता है, वरना पहले दोनों भाई बहन साथ में जाते थे तो मुझे ना साथ में ही बनाकर दे देना पड़ता था। तो चलिए, मिष्टी का लंच पैक हो गया है, पहले उसे छोड़कर आते हैं थोड़ा आगे तक, जहाँ से वो ऑटो बैठेगी वहाँ तक छोड़ के आते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। राधा, क्या बन रहा है? गुड मॉर्निंग। आज लेट हो गए? आज आप लेट हो गए। मिष्टी चली गई स्कूल। हाँ, सब कुछ छूट गई है। और चाय वाय नहीं बनाई क्या? चाय वाय सब बन गई। तो फास्ट चाय बन गया है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, चना बन गया है, सूखा चना। यहाँ चाय बन गया है और यहाँ पूरी बन गया है, लगभग पूरी मेरा बन ही गया। आज आप हो गए हैं लेट, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा क्या? चलिए, आज सुबह का अपडेट यही बना है हमारे घर में नाश्ते में, क्योंकि आज है गुरुवार, गुरुवार के दिन अक्सर पूड़ियाँ बनती हैं। तो मिष्टी जा चुकी है स्कूल, उसके बाद जो आटा पड़ा हुआ था पूड़ियाँ बनाने के लिए उसे भी मैं बना दी हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ अपने धनिया पानी को गरम। रात में मैं धनिया नहीं डालकर सोई थी, तो इसीलिए अभी मैं अच्छे से इसे बॉईल कर ले रही हूँ। यानी कि 1 गिलास पानी ली थी तो उसका 1/3 जब तक सूख रहा है पानी, यानी उबल रहा है, उबल जाएगा अच्छे से, उसके बाद ही पियेंगे। तो मेरा 1/3 भाग उबल गया था और फिर बेटे का भी लंच वगैरह पैक कर दी थी, उतने देर में मेरा अच्छे से बॉईल हो गया था, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं पी ले रही हूँ। और फिर जो धनिया बच जाता है, कई बार आप लोग कमेंट करते हैं कि क्या करना है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना दी हूँ कि क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड, पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज दिन है गुरुवार का और हमारा यहाँ हो चुका है पूजा, साथ ही आज है मेरा सेल्ट फ्री डे। तो घर का सारा काम काज हो चुका है और हमारे तरफ हो रही है बहुत ही तेज वाली बारिश। इतनी तेज बारिश हो रही है ना कि बस ये हाल हो जा रहा है, एकदम मत पूछिए। कल रात से जो हमारे तरफ बारिश हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, मतलब बस कुछ मिनट के लिए रुक रही है और उसके बाद फिर से स्टार्ट, फिर रुक रही है, फिर से स्टार्ट हो जा रही। तो कुछ इसी प्रकार से हो रहा है हमारे तरफ कल से
भगवान का भी ना कह नहीं सकते। बहुत जगह ऐसा है कि बिल्कुल बारिश ही नहीं हो रहा और हमारे तरफ इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है ना कि क्या बोले, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, एकदम उब से गए हैं। जैसे कहते हैं ना उब से जाना, मतलब धूप निकल रहा है तो हद से ज़्यादा गर्मी कर दे रही है, और नहीं तो फिर इतनी बारिश हो रही है कि क्या बोले। खैर कोई नहीं, चलिए आज है हमारा सेल्फ फ्री डे। हमारी बहुत सारी फ्रेंड बोल रही थी कि दीदी आप सेल्फ फ्री डे इस बार नहीं कर रही, तो नहीं डियर ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी। क्या हुआ ना कि पहले मैं सोची कि इस बार मैं मंडे का व्रत रखूँगी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं हुआ क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज पूरे महीने खाते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं रखी। मैं सोच रही थी कि सोमवार का व्रत रखूँगी तो मेरा सेल्फ फ्री डे हो जाएगा। तो बचपन से हम लोग ना बिना लहसुन प्याज खाए हुए ही सोमवार का व्रत रखते थे, मतलब शादी से पहले, लेकिन यहाँ पर आई तो कभी हो ही नहीं पाया, तो इसी के चलते नहीं की। फिर मैं सोची चलो गुरुवार को करेंगे, तो गुरुवार के दिन ना मुझे याद ही नहीं रहा, बिल्कुल मतलब ध्यान में ही नहीं रहा कि मुझे सेल्फ फ्री डे करना है, तो इसीलिए कल एकदम याद करके रखी थी कि गुरुवार वाले दिन मुझे सेल्फ फ्री डे करना है, तो इसीलिए बस आज सेल्फ फ्री डे है। तो सेल्फ फ्री डे के दिन कैसे क्या करते हैं, चलिए सब कुछ आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि सेल्फ फ्री डे वाले दिन आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का, कि जितना आप ज़्यादा पानी पियेंगे आपकी बॉडी उतनी ही डिटॉक्स होगी। क्या होता है ना कि हम जब चटपटा कम खाते हैं ना तो पानी भी कम पीते हैं, प्यास नहीं लगती, फ्रूट वगैरह भी अगर खा कर रहते हैं तो प्यास बहुत कम लगती है, तो ये नहीं करना है, पानी जितना हो सके उतना पीना है। और मेरी स्किन लाइट मार रही है भाई। हाँ तो उतना पीना है, तो इसीलिए मैं तो सुबह से अभी तीन से चार गिलास मेरा हो चुका है पानी पिए हुए, क्योंकि गर्मी भी लग रही है उतनी ही और बारिश भी हो रही है उतनी ही। अब जब छूट जाएगी ना बारिश तब दिखेगा बहुत ज़्यादा गर्मी, एकदम पसीने से लथपथ हो जा रहा है, और उसके बाद फिर ऐसी बारिश हो रही है। तो चलिए अभी चलते हैं नाश्ता करने के लिए, देखते हैं क्या है नहीं है। वैसे तो फ्रूट मैं खाना सबसे ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, लेकिन आज मेरे घर में फ्रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ क्या खाऊँ नहीं खाऊँ, खीरा है, खीरे को कट करके खा लूँ या क्या करें, तो देखते हैं। वैसे मैं चूड़ा और दही भी सोच रही थी कि वो भी खा लूँ, देखते हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बनाते हैं क्या करते हैं आप सभी के साथ सब कुछ शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं मेरा नाश्ता लेकर आ गई हूँ, और नाश्ते में है अंकुरित चना, साथ ही बीट कट कर ली हूँ, गाजर है, मिर्ची है, टमाटर है और प्याज लहसुन। आज गुरुवार है तो इसके वजह से मैं इसमें प्याज नहीं डाली हूँ, और साथ ही मैं डालती हूँ नींबू और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दी हूँ, बस चाट मसाला वगैरह नहीं डाली हूँ क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो इसीलिए मैं उसे भी नहीं डाली हूँ, बस इसे अच्छे से च्यू करके खाएंगे और फिर अपना हेल्दी सा ब्रेकफास्ट इंजॉय करेंगे। तो चलिए इसे खाते हैं और इंजॉय करके खाएं, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा आप सोचोगे कि नमक नहीं है तो ही कुछ लगेगा, वरना कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि चना अपना स्वाद छोड़ेगा, गाजर अपना स्वाद छोड़ेगा, बीट अपना स्वाद छोड़ेगा, टमाटर अपना स्वाद छोड़ेगा, और थोड़े से जो नींबू है खट्टापन है वो अपना स्वाद छोड़ेगी, तो इसीलिए बिल्कुल कुछ ख़राब नहीं लगेगा। आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, मैं भी ऐसे ही यही सब खाता करके अपना वजन कम की थी, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे खाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि दोपहर में क्या हम लोग खाएंगे। दोपहर में भी जो भी खाएंगे बिना नमक का ही खाएंगे, और उस वक्त भी मैं आप सभी को बहुत सारे ऑप्शंस बताऊंगी कि क्या क्या खा सकते हैं। वैसे ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट खा सकते हैं, जूस पी सकते थे, या फिर बिना नमक का आप रोटी भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप खा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिटॉक्स कर रहे हैं अपनी बॉडी को, तो भाई खाना भी वैसा ही होना चाहिए जो कि हमारा बॉडी को अच्छे से वो डिटॉक्स कर सके, तो इसीलिए कुछ ही इस प्रकार का नाश्ता है। और आप चाहें तो डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं, तो उसे कैसे बनाना है वो भी मैं आप सभी को दोपहर में बताऊँगी, क्योंकि अभी खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं, तो चलिए खा लेते हैं। सो फ्रेंड, ग्लास तो दे दीजिए। सो फ्रेंड, ठंडा पानी इन लोगों को दे दी हूँ खाना। इन लोगों के लिए आज मैं बनाई थी आलू पोस्तू, चावल दाल, क्योंकि आज हमारे घर में वही बनता है, साथ ही पापड़ था, तो ये लोग तो खा लिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊँ, तो यहाँ पर मैं चूड़ा को भिगो कर रखी हूँ,
क्योंकि मैं पहले सोची बेसन का चीला बनाते हैं, लेकिन फिर मैं बोली उसे शाम में खा लेंगे, क्योंकि अभी फ्रूट हमारे तरफ नहीं मिलने वाली है, बहुत बारिश हो रही है तो पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ उसे ही खा लेती हूँ और रात में फिर खा लेंगे चीला। तो अब मैं टेंशन में हूँ कि इसे सिंपल दही के साथ खा लूँ या फिर छौंका मार के खाऊँ, अब मुझे वो भी टेंशन लग रहा है, तो सोच रहे हैं कि सिर्फ दही सिंपल लेकर के इसे खा लेते हैं, नमक ही नहीं खाना है ना, तो वैसे ही खा लेते हैं, है ना। हाँ वैसे ही खा लेते हैं, अब छौंका उका मारने का मन नहीं कर रहा है, वैसे ही सिंपल खा लेते हैं, क्योंकि वैसे मैं कड़ी पत्ता भी मंगा कर रखी हूँ, सरसों और कड़ी पत्ता से सोची कि छौंका मार देते हैं, लेकिन अब मन नहीं हो रहा है, अब भूख सी लग रही है, तो इसे ही दही के साथ खा लेते हैं, है ना मिस्टी। दे दो पापा को अचार, तो चलिए फटाक से करते हैं, खाते हैं। इसे करेंगे मिक्स, मिठास के लिए इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी खजूर, या फिर आप थोड़ा बहुत चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चाय पीती हूँ ना एक टाइम गुड़ वाली, इसीलिए इसे ही डालते हैं। खाते हैं सबसे पहले, मैंने मतलब 30 शेयर कर दिए थे टीटा करके, जिससे कि मुझे लगभग यानी कि 36,000 रुपये मैंने। तो ये जो चूड़ा है ना, ऐसे मैं ज़्यादा नहीं धुली थी, यानी कि ज़्यादा फुलाई नहीं थी, जिसके वजह से इसे अच्छे से च्यू कर सक रहे हैं। तो बस आपका जो मन हो इसी तरीके से आप लोग खा सकते हैं, वैसे अगर फ्रूट सैलेड चीला वगैरह मिल जाए तब तो और अच्छा है। और आप लोग मुझसे जो पूछते हैं ना कि जब मैं बहुत मोटी थी तो क्या करती थी, तो उस वक्त का जो मैं सल्ट फ्री डे करती थी ना, तो वो क्या था, सुबह में फ्रूट, दोपहर में चीला दही के साथ और रात में फ्रूट, ऐसे करती थी मैं सल्ट फ्री डे। अब तो मैं पोहा वगैरह यानी कि चूड़ा उड़ा खा लेती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं नहीं खाती थी, सुबह में फ्रूट और फिर दोपहर में चीला बनाकर खाती थी एक, और फिर रात में फ्रूट खा लिया करती थी। तो कुछ इस तरीके से मैं सल्ट फ्री डे करती थी। तो अभी तो खैर मुझे उतना वेट कम करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आपका अपना वज़न कम मत कीजिए, ऐसे ही अच्छे दिखते हैं, और घर में भी सारे लोग बोलते हैं कि इतना ही ठीक हो। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा जो हार्ड वाला होता है ना वैसा कुछ नहीं करती हूँ, बस नॉर्मल तरीके से जितना हो सकता है करती हूँ, और आप सभी को मोटिवेट करने की भी कोशिश करती हूँ, जितना सिंपल तरीके से जितना इजी तरीके से मैं समझा सकूँ, मैं बस उसी तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए खाते हैं इसी को अच्छे से च्यू करके, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, अभी शाम का वक्त हो रहा था, शाम के बज गए थे 7, मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए अपने लिए डिनर। डिनर में जैसे कि मैं आप सभी को बताई थी कि मैं बनाऊंगी बेसन का चीला, लेकिन बेसन के चीले में ना मुझे थोड़ा सा प्याज शिमला मिर्च होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन प्याज तो खैर डालना नहीं था और शिमला मिर्च थी नहीं, तो फिर मैं क्या की कि गाजर पड़ी हुई थी, साथ ही बीट पड़ी हुई थी, तो मैं सोची चलो इसी के साथ बना लेते हैं अच्छे से। तो इन दोनों को मैं कद्दूकस कर ली थी, उसके साथ मैं थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब बेसन डाल दी, हरी मिर्ची को कट करके डाल दी, और ऊपर से मैं डाल दी थी इसमें नींबू, और साथ ही जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल दी थी, और उसके बाद फिर अजवाइन डाल दी थी। इन सभी को डाल करके अच्छे से घोल ली हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बना ली थी सरसों के तेल में। और बहुत सारे हमारे फ्रेंड बोलते हैं कि हमारा चीला टूट जाता है, तो अगर इसे ना ढक करके पकाएंगे ना डियर, तो बिल्कुल भी ये नहीं टूटेगा और आपका चीला बहुत अच्छे से बनकर हो जाएगा तैयार। तो चलिए यहाँ पर ढक कर मैं धीमी धीमी आंच पर इसे बना रही थी, और आप क्या करेंगे, आप सभी को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा तेल है, तो ऐसा नहीं है, लोहे की तवे में ऐसे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसे साइड साइड से उठाऊँगी ना, बस वो तेल ठीक हो जाएगा, मतलब जितना इसमें ज़रूरत होता है एक चीले के लिए जितना तेल ज़रूरत होता है उतना ही तेल इसमें डाला गया है। आप चाहें तो नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं, उसमें तो भाई बहुत ज़्यादा कम तेल लगता है, लेकिन मुझे ना लोहे वाली जो होती है तवे इसमें ही बनाने में अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है ना इसमें थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए वहाँ पर वो पक रहा है, इधर मैं थोड़े बहुत जो हमारे काम होते हैं जैसे कि जो भी होते कर लेते हैं किचन में, तो साथ मेरा जो चीला है वो भी हो गया था, अच्छे से कुरकुरा हो गया था, अब इसे कट कर लेते हैं। आप चाहे प्लेट को जैसे भी सजा सकते हैं उस तरीके से सजाइए, आप चाहे तो इसे ना मूँगफली के चटनी के साथ खाइए, वैसे रात में दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैं बोली चलो खा लेते हैं
दही, थोड़ा सा दही रखा हुआ था तो खा लेते हैं, लेकिन आप सभी को अगर सूट नहीं करती है तो रात में बिल्कुल भी दही मत खाइएगा। इसके साथ किसी भी चीज़ की चटनी वगैरह बना लीजिएगा, जैसे टमाटर की भी चटनी बनाकर खा सकते हैं और मूंगफली की भी चटनी बनी हो तो अच्छी ही लगेगी, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो इसीलिए मैं बस इसे ही ले ली हूँ और इस तरीके से कर ली थी डेकोरेट। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म चीलक, जिसे जिसे पसंद है। और मेरे दांत में हो गई है दर्द, साइड में मसूड़ा फूल गया है पता नहीं कैसे, तो इसीलिए खाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी 32 बार तो चीव करेंगे ही। और आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं डियर, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और ढेर सारा कमेंट करते रहिए, जो लोग का जितना भी वज़न कम हो रहा है सब कुछ मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग सारे लोग जब मेरे साथ ये सब सारी बातें शेयर करते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, आप लोग इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपने जीवन में, अपनी वेटलेस जर्नी